त्यौहार है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार। और हमारी का हमारा गुजरना हुआ मार्केट से, तो हमने देखा नरखेड़ा में अतिरिक्त शिक्षक के रूप में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ाने बच्चों को। लेकिन जब हमने देखा तो एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक राखी की दुकान में बैठे हुए थे, तो इनसे हमने जब मालूम करा तो उन्होंने बताया कि मैं जो है राखी की दुकान में लगाई, लेकिन मैं इससे कुछ युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ। हम इससे मालूम करते हैं कि क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बधाई शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अतिथि शिक्षक हूँ, कहाँ की कोचिंग वगैरह भी पढ़ाता हूँ। लेकिन हम लोगों के मन में एक ऐसा विचार आया कि हम क्यों ना युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश करें। आज नौकरी की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यदि हम छोटे छोटे स्वरोजगार में रुचि लेते हैं, युवा आगे आते हैं, हम भी मानते हैं का चला। मैं वैसे पेशे का राष्ट्रीय व्यापारी नहीं हूँ, न राजनीति विषय में ज़्यादा जानता, लेकिन इस क्षेत्र में हमने कदम रखा तो अनेक युवा हम लोगों से जुड़े हैं। और हम निश्चित ही अगर हम सब लोग मिलकर एक दिशा में प्रयास करेंगे तो जो सरकार का स्वरोजगार बनाने का सपना है उसे हम पूरा कर पाएंगे। राजनीति आपने नौकरी बांटी है? हाँ, कुछ ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी उन लोगों को हमने राखी यहाँ से फ्री में भी दी है। और दुकानें लगी हैं कि आपने कैसे लगाई है? बाजार में अनेकों दुकान लगी हैं, तो अनेक अनेक जगह से राखी लेके आए हैं। और राखी नहीं, जैसे आप लगाई किस तरह आपने लगाई है शिक्षक होने के बाद कैसे वो लगाई? अभी सरकार का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बाजार में जब लोग जाना होता है व्यापार के उत्तर लोगों का युवाओं को रोजगार की दुकान देते हैं। जो एक शिक्षक हैं, लेकिन इन्होंने एक राखी की दुकान लगाई और युवाओं को एक प्रेरणा दी, उससे प्रेरणा लेना भी चाहिए युवाओं को कि अपन को स्वरोजगार खुद करना है, काम कोई भी हो, और इसमें शर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना पेट है, अपने परिवार का पेट है। अपन उसको जब अपन काम करेंगे तो अपन को कुछ पैसे मिलेंगे। ईमानदारी से काम करने के लिए इन्होंने एक ये राखी की दुकान लगाई, कुछ लोगों को मुक्त भी दी। आपसे मुलाकात होगी जाएगी चैनल की। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।